एक्सेप्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, ठीक है, थीटा। तो देखते हैं थीटा बेसिकली क्या होता है, एग्जांपल के तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मान लो कोई एक ऑप्शन है, कोई एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर अज्यूम कर लेते हैं, टाटा पावर जिसका कैश के अंदर प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़। तो फॉर एग्जांपल किसी ने इसका सीई शॉर्ट किया है, सीई को शॉर्ट किया है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इज 60, स्ट्राइक प्राइस इज 6060 एंड द प्रीमियम जो हमको मिला है वो मिला है मान लो 1 रुपी, ठीक है। तो इसका थीटा अगर मान लीजिए है 0.05, यानी कि 5 पैसा, ठीक है, 5 पैसे अगर इसका प्रीमियम है एंड ओके प्रीमियम इज 1 रुपी एंड थीटा इज 0.5। तो अगर मान लीजिए ये कैश का जो प्राइस है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो आज ये 50 रुपये में ओपन होता है और बाद में दिन के एंडिंग पे यानी कि 3:30 PM जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम है 50 रुपये पर ही ये बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है, तो ये प्रीमियम 1 रुपी से घट के हो जाएगा 0.95, यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा बाय 0.05, ठीक है। तो थीटा का आपको बेसिकली ये समझना है कि इसको हम बोलते हैं टाइम डीके। तो टाइम डीके इसको क्यों बोलते हैं, तो बाय द डेफिनेशन इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक की कैश वैल्यू यानी जो 50 रुपये यहाँ अज्यूम करी गई है अगर वो सेम रह जाती है तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो टाइम डीके की वजह से माइनस हो जाएगी इसके रनिंग प्रीमियम में से। तो 1 रुपये के प्रीमियम में से 5 पैसा जो है वो माइनस होके हमको मिलेगा 0.95 पैसा अगर ये सेम रह जाता है। तो मान लीजिए ये सेम नहीं रह जाता है तो भी ये 5 पैसा इसकी प्राइस वैल्यू इसके प्रीमियम में से माइनस हो गई होगा। तो अब एक वो वाला एग्जांपल अब हम देख लेते हैं, सेम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टाटा पावर 50 रुपये कैश प्राइस, 60 रुपये की कॉल किसी ने बेची 1 रुपये के प्रीमियम पर एंड थीटा वॉज 5 पैसे, ठीक है। पर हम ये अज्यूम करते हैं कि 50 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक जो है आ गया 52 पर और 52 पर ही ये क्लोज हो गया 3:30 पे, ठीक है। तो अगर ये मार्केट क्लोजिंग पे मान लीजिए बढ़ के क्लोज होता है तो 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से मान लेते हैं कि इसका डेल्टा था 0.5, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट एक बार एग्जांपल लेने के लिए, मान लेते हैं कि डेल्टा था 0.5। तो आपने जो मेरे पिछले वीडियो देखे हैं आप समझ सकते हो कि हमारा डेल्टा की कैलकुलेशन पर नया प्रीमियम क्या आ जाएगा, 1 + 0.5 + 0.5 = 2, करेक्ट। तो ये 2 रुपीज़ का हमारा नया प्रीमियम आ जाएगा डेल्टा की कैलकुलेशन में, बिकॉज डेल्टा जो है डेल्टा की वैल्यू इतने रुपए से इतने पैसे से इंक्रीज हो जाएगी फॉर एवरी 1 रुपी मूवमेंट इन द कैश प्राइस, करेक्ट। तो ये हमारा डेल्टा के बेसिस पे प्रीमियम आ गया 3:30 बजे, बट क्योंकि इसके अंदर थीटा भी लगेगा तो अब इस प्रीमियम में से इसको माइनस होना पड़ेगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 1.95। यानी डेल्टा और थीटा कंबाइंड एग्जांपल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है, यानी कि बहुत सिंपल सा रूल है कि जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो डे एंड पे यानी कि 3:30 बजे उस प्रीमियम की वैल्यू से जो डे की बिगनिंग पे थी उसमें से माइनस हो जाएगी डे एंड पे। अगर कुछ चेंज आएगा तो वो आएगा सिर्फ डेल्टा की वजह से, और डेल्टा में चेंज कब आता है, जब कैश प्राइस में चेंज आता है। बट जो भी हो थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो डे एंड पे अपने प्रीमियम में से माइनस हो जाएगी, ये सिंपल सा रूल हमको ध्यान रखना है। अब थीटा को ध्यान में रखते हुए हमको क्या समझने में रखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बायर होता है और कोई भी एक जो सेलर होता है, तो सेलर की प्रोबेबिलिटी है ऑप्शंस में पैसा कमाने की 66, बट बायर की है 33। एंड ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि बायर अगर एक कॉल को बाय करता है उसका स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, एक तो डायरेक्शन होनी चाहिए करेक्ट और एक मूवमेंट आनी चाहिए फास्ट। खाली एक ही केस में प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक ऐसे रह जाए या अगर स्टॉक नीचे जाए, तो दोनों ही केसेस में उसको लॉस होगा
खाली ये कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अब सेलर के केस में मान लो अगर इसने कॉल को शॉर्ट किया है और स्टॉक चला जाता है नीचे, तो भी इसको पैसा मिलता है। स्टॉक अगर चला जाता है साइडवेज तो भी इसको पैसा मिलता है, और स्टॉक अगर जाता है ऊपर बट स्लो तो भी कुछ हद तक इसको पैसा मिल सकता है, या एटलीस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है, लॉस में नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ थीटा। ये एग्जाम्पल अब आप समझ लेते हैं। तो एक सेलर है जिसने सेल किया 60 रुपीज का कॉल, 50 रुपये का कैश प्राइस चल रहा है, 1 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, थीटा चल रहा है 0.5, ठीक है। तो एक दिन आता है, पहले दिन ये स्टॉक आ जाता है 50 रुपये से 51, दैट इज ऑन डे वन। तो ये प्रीमियम जो है इसका डेल्टा भी कुछ अज्यूम कर लो आप, फॉर एग्जांपल ये प्रीमियम आ जाता है 1.5 माइनस जो हमने ये लगाया थीटा, तो थीटा लगा के दिस इज 1.5, 1.45, ये हमारा डेल्टा हो गया, 0.5 अज्यूम हो गया। नेक्स्ट डे ये स्टॉक आ जाता है वापस से 50 रुपये पर, नीचे आ जाता है, तो 1.45 में से डेल्टा हो जाएगा माइनस, दिस इज 1.45, डेल्टा हो जाएगा माइनस एंड थीटा भी हो जाएगा माइनस। ये डेल्टा है, ये थीटा है, तो अब ये वैल्यू हमको कहाँ पे मिल जाती है? 0.9। पॉइंट नाइन, करेक्ट। तो ये हमने क्या देखा कि अगर 2 दिन के बाद भी स्टॉक सेम प्राइस पे है, जबकि वो पहले दिन ऊपर गया बाद में सेम प्राइस पे आ गया, बिकॉज ऑफ थीटा, जो कि इनिशियल वैल्यू 1 रुपये से थी, यानी जब 50 रुपये पे था तो पहले 1 रुपये पे था, और अब जब 50 रुपये पे है तो 0.9, यानी 10 पैसा ऑलरेडी 2 दिन में आपकी जेब में आ जाता है, अगर ये एग्जाम्पल हम कंसिडर करें। तो यही एग्जाम्पल जब हम मल्टीपल डेज में कंसिडर करते हैं तब क्या होता है? सेम एग्जाम्पल, 50 रुपये का स्टॉक, 60 की कॉल, 1 रुपये का प्रीमियम, थीटा 0.5 एंड डेल्टा 0.5। मान लेते हैं एक स्टॉक ऊपर गया, कुछ दिन तक जाता रहा जाता रहा जाता रहा, ठीक है, एंड प्रीमियम बढ़ के 1 रुपये से हो गया 5 रुपये, इसमें थीटा भी लगा दिया, डेल्टा भी लगाने के बाद ये 5 रुपये है, अभी एक्सपायरी नहीं आई, अब एक्सपायरी आ रही है पास, जैसे जैसे ये स्टॉक वापस से आ जाता है बट 51 पे आके रुक जाता है, तो क्या होगा? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मान लो यहाँ पे 58 तक गया था और 1 रुपये से बढ़ के प्रीमियम आया था 5 रुपये, ये एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गया था तो थीटा की वजह से माइनस भी लगता गया, डेल्टा से प्लस लगता गया, और 5 रुपये पे प्रीमियम था, फिर जब ये नीचे आया तो 51 पे आके रुका, बिकॉज अगेन हमारे नंबर ऑफ डेज सपोज यहाँ पे 10 दिन है हमारे जो लगे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं, तो 5 रुपये में 10 दिन का तो ये लग जाएगा थीटा, जो हो जाएगा 0.05 इंटू 10 दिन, यानी कि 50 पैसे हमको मिलेगा थीटा से 10 दिन में, करेक्ट। एंड जो डेल्टा गया हमारा 58 से 51 आने में, यानी कि 7 रुपीज़ की मूवमेंट, 5 रुपये के हिसाब से हमारी जो आएगी वो होगी 3.5 प्लस ये वाला 0.5, तो ये बन गया 4 रुपये का प्रीमियम हमारा डीके हो जाएगा, एंड जो प्रीमियम हमारा 5 रुपये पे पहुंच गया था वो अब रिड्यूस होके वापस 4 रुपये गिरने के बाद बचा 1 रुपये। तो इवन दो स्टॉक जो हमारा 51 पे आ गया उसका प्रीमियम हमारा अभी भी 1 रुपये है, यानी स्टॉक ऊपर जाने के बावजूद भी हम लोग जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि इवन दो हमारा जो प्राइस है वो 50 से 51 हो गया, स्टिल हमारा प्रीमियम 1 रुपये पे है, पर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जब आप 3:15 के आसपास देखोगे तो डेफिनेटली ये जो 1 रुपये का प्रीमियम भी बचा है ये गिर के 0.05 पर ही खत्म होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम डीके। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डे जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आ रहे हैं डीके ज़्यादा हो रहा है? तो इसके लिए आप एक सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो कि मान लो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड द लास्ट थर्सडे, जिसको हम एक्सपायरी भी बोलते हैं, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो फाइनल है, तो ये जो ग्राफ होता है आप इसका कुछ ऐसे समझ लो, अगर ग्राफ के बेसिस पे कुछ बताएं,
कि शुरू में थीटा जो है बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू से लगता है, धीरे 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 धीरे, एंड जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो ये अगर हमारा टाइम टाइम टू एक्सपायरी है, तो टाइम टू एक्सपायरी, एंड ये हम कह लेते हैं प्रीमियम, ठीक है। और ये डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उतना हमारा थीटा की जो इफेक्ट है आपको प्राइस में दिखती रहेगी। तो ये आप अज्यूम कर लो कि पहले अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के अंदर थीटा का जो है नॉमिनल काम होता है, मतलब थीटा जो है अगर 5 पैसे है 5 पैसे ही चलेगा, बट जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी होती है थीटा की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, एंड मे बी द थीटा विल बिकम इनिशियली फ्रॉम 0.5 इट विल इंक्रीज टू 0.1 एंड देन स्लोली स्लोली 0.15 एंड देन स्लोली स्लोली 0.2 एंड लाइक दैट। तो एक्सपायरी के जितना पास आप ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा थीटा जो है फटाफट आपके फेवर में काम करके दिखाएगा। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है। एंड कमिंग अगेन टू द लास्ट कंक्लूजन जो मैंने बताया है कि अगर कोई बायर है और अगर कोई सेलर है, तो अगर एक बायर है और वो थीटा की वजह से थीटा को नहीं समझता है और वो एक स्टॉक के अंदर कोई प्रीमियम होल्ड करके बैठा है 5 रुपये एक्सपेक्टिंग ये ऊपर जाएगा, तो थीटा की वजह से शायद ये उसको एक्सपायरी वाले दिन 5 दिन मिलेगा, जबकि उसका ट्रेड जो है शायद साइडवेज हो गया या उसकी पोजीशन के अगेंस्ट आ गया। बट अगर कोई सेलर है जो 5 रुपये का प्रीमियम रख के बैठा है, तो एक्सपायरी पे वो इसी ट्रेड को 5 पैसे पे एग्जिट करेगा, यानी कि वो इसको प्रॉफिट में एग्जिट करेगा, इवन दो उसका ट्रेड हो सकता है साइडवेज हो, उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि आपको मार्केट में सेलिंग करके पैसा कमाना आसान है या बायर बन के पैसा कमाना आसान है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपने मेरी ऑप्शन सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डेफिनेटली देखिए, इस वीडियो के एंड के स्क्रीन में भी आएगा एंड मेरे चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, देखते रहिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप योर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस टाइट, ट्रेड राइट। बाय बाय।